बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ दोस्तों। कुछ लोग ऐसे होते थे जो अपने दोस्तों से या अपने सगे संबंधियों से या अपने रिलेटिव से काफ़ी लंबी लंबी फ़ोन पर बातें करते थे, तो उनके लिए तो बहुत बुरी खबर है, क्योंकि सभी कंपनियों ने अपने रिचार्ज के प्लान बढ़ा दिए हैं। लगभग 40% या 42% के आसपास सभी ने बढ़ा दिए हैं। इनमें से एयरटेल और वोडाफोन का प्लान भी आ चुका है, जो कि 3 दिसंबर से लागू भी हो जाएगा, और जियो का भी प्लान 6 दिसंबर को आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो जो एयरटेल का प्लान आपको 249 रुपये में मिलता था, वो आपको 298 रुपये में मिलेगा। और वोडाफोन की बात करूं तो जो प्लान आपको 458 रुपये में पड़ता था, वो आपको 599 रुपये में अब पड़ेगा। इसके अलावा जियो जो है अपने प्लान वो भी लगभग 40% के आसपास जो रिचार्ज के प्लान है उसमें अपने प्राइस इंक्रीज करेगा, लेकिन उसने ये अपने वेबसाइट पे अपडेट दिया है कि जब भी वो प्लान इंक्रीज करेगा तो उसमें वो बेनिफिट भी और ज़्यादा बढ़ाएगा, यानी कि हो सकता है वो अपने रिचार्ज के जो प्लान बढ़ाएगा उस हिसाब से आपको इंटरनेट यानी कि 1.5 GB के बजाय 2 या 3 GB दे दे, या फिर और ज़्यादा कुछ ऐसा हो। तो ऐसा कुछ जियो अपने रिचार्ज में करने वाला है। जियो का प्लान आपको 6 दिसंबर को देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात और जानने वाली है कि अगर आपका जो भी नेटवर्क है आप उससे अदर नेटवर्क पर कॉल करेंगे तो उसके लिए आपको पर मिनट 6 पैसे भी देने पड़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, अगर आपका जियो है तो आपको वोडाफोन पे कॉल करने के लिए पर मिनट 6 पैसे देने होंगे, या फिर अगर आप एयरटेल पे करते हैं या एयरटेल टू वोडा पे करते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये खबर उनके लिए ज़्यादा बुरी है जो बाबू सोना मोना टाइप के लोग हैं और उन्हें बहुत लंबी लंबी बातें करनी होती थी, तो उनके लिए काफ़ी बुरी खबर हो सकती है। लेकिन मुझे पता है कि ऐसे लोग रिचार्ज का जुगाड़ कहीं ना कहीं से ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि उनके पास अगर खाने के लिए भी पैसा ना हो तो भी इनके मोबाइल में रिचार्ज जरूर आ जाएगा। मैं एक अपनी तरफ से सजेशन देना चाहूँ कि आप डायरेक्ट कॉल ना करके इंटरनेट से भी कॉल कर सकते हैं, जैसे आप व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं और अपने मिनट्स को बचा सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से एक छोटा सा सजेशन था, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पर मिनट 6 पैसे देने से बच सकते हैं। अब बात ये रही कि ये कंपनियां ऐसा कर क्यों रही हैं। ये कंपनियां इसलिए ऐसा कर रही हैं क्योंकि इन पर बहुत सारे ऐसे रूल और रेगुलेशन लगा दिए गए हैं जिसके कारण इन पर बहुत सारे कर्जे आ गए हैं, इस कारण ये सभी कंपनियों को ऐसा करना पड़ रहा है। एक ये भी कारण हो सकता है कि सभी कंपनियां अपने 4G के नेटवर्क को अपग्रेड करके 5G नेटवर्क लाना चाह रही हो, इसके लिए इनको बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके लिए इनके इनको बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है, इसलिए भी ये शायद हो सकता है ऐसा कर रही हो। लेकिन चलो, सभी कंपनियों ने अब तो अपने रिचार्ज प्लान्स के रेट तो बढ़ा ही दिए हैं, तो एयरटेल और वोडाफोन वाले जो हैं वो तैयार हो जाए 3 दिसंबर के बाद से अपने बढ़े हुए प्लान को रिचार्ज कराने के लिए, और जियो वाले भी तैयार हो जाए 6 दिसंबर के बाद से बढ़े हुए प्लान्स पर रिचार्ज करवाने के लिए। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये जो सभी कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान्स के रेट बढ़ाकर जो किया है वो सही किया है या नहीं किया है, या फिर आपकी क्या राय है। और मुझे ये भी बताना कि आप कौन वाला रिचार्ज कराते थे या फिर आप कौन सा ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।